मतलब पता की सी, जो गुरु कहे सोई भल मानो हर हर कथा निराली। जो गुरु जी कहते हैं ना उन्हें गल्लां नूं जीवन दे विच वसाउणा ही असल दे विच गुरु का गुरपुरब मनाउणा है। आते केवल जे असीं उत्ते उत्ते दीआं गल्लां करिए ना भी चल नगर कीर्तन जाके दो घंटे घूम आए किसी दीवान च जाके बह आए, तो गल एक भी नहीं मनी, गल एक भी नहीं मनी, जीवन च कोई सिद्धांत नहीं आया। तो असीं अपने आप नूं बहुत वड्डा धोखा दिंदे पए आ, बहुत वड्डा धोखा दे रहे हैं। जो मेरे मालिक ने साडे वास्ते कीता है ना, असीं उन्हां दी बख्शिशां नूं पछाणिया नहीं अजे तक, असीं उन्हां दी बख्शिशां नूं पछाण नहीं सके। सतगुरु पातशाह दा जो मैं जीवन पढ़दा वा, कैसा लासानी जीवन है सतगुरु जी का, कैसा लासानी जीवन है। एवें थोड़ी ना अल्लाह यार खां जोगी जी ने यह गल आखी सी, उन्होंने गल आखी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के बारे दे विच अपनी किताब गंजे शहीदां, उन्होंने गल आखी इंसाफ करें जी में जमाना तो यकी है, कह दो कि गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। वह कहते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का सानी इस संसार दे विच कोई लभना हो बराबर का, जो कोई लभना हो कहते लभ्या नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु पातशाह की शख्सियत जी बड़ी महान है। उन्होंने ये गल कही कि साडे वर्गियों नूं आवाज दे के आखिया सी, हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बच्चे यहां बाप ने खुदा के लिए, चमकौर की गड़ी वास्ते आखिया। तो सानू यह गल आखी सी, भटकते फिरते हैं क्यों, हज करें यहां आकर। कहिंदा कानू एवें भटकते फिरते हो, एक मुसलमान राइटर सानू चेते करा रहा, वो सिखो एवें भटकते कानू फिरते हो। वीर जी ने हुणे गल की ना, कोई मड़िया ते जा रहा, कोई बाबिया ने जाके मत्थे टेकी जाता है, कोई दूजे ग्रंथां नूं अपना सिर नवाई जाता, कोई पहाड़िया ते जाता जो उत्थे कहिंदा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह शायद किसी पहाड़ी ते बैठे ने, वो सानू चेते करा रहा, भटकते फिरते हैं क्यों, हज करे यहां आकर, ये काबा पास है हर एक खालसा के लिए। वो कहिंदा कानू भटकते हो भरावो, इथे आओ, चमकौर आओ, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नाल सांझ पाओ, गुरु ग्रंथ साहब के सिद्धांत नूं अपने अंदर वसाओ। जदों उस अल्लाह यार खां जोगी ने एक गल आखी ना, उहदी कौम वालिआं ने उस नूं कौम दे विचों बाहर कढ दित्ता। उहदी कौम वाले कहण लगे, काजी ने फतवा सुनाया, कहिंदा तूं एक दूजी कौम दे रहबर की तारीफ की है, तू दो किताबां लिख दित्तियां। अल्लाह यार खां जोगी जी ने दो बुक्स लिखियां, गंजे शहीदां ते शहीदाना ए वफा, दो किताबां लिखियां। जिहड़ी गंजे शहीदां किताब है ना, उहदे विच उन्हां ने वड्डे साहिबजादियां दी जिहड़ी चमकौर दे विच जंग होई उसका जिक्र किया है, ते बाद विच जिहड़ी दूजी किताब लिखी शहीदाना ए वफा, उहदे विच छोटे साहिबजादियां दा जिक्र किया है, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा जिक्र किया है। काजी ने उन्हूं कौम दे विचों छेक दिता, अल्लाह यार खां जोगी जी नूं इह गल आखी भी तू एक दूजी कौम दे रहबर दी इन्नी तारीफ लिखी, तेनू जिहड़े साडी कौम दे विच इन्ने महान लोग सी तेनू नजर नहीं आए, तेनू नजर नहीं आए, तेनू कौम दे विचों बाहर कढ़िया जांदा है, छेक दिता। कुछ समा बीतिया, कुछ समा बीतण तो बाद जदों जोगी जी बीमार होए ना थोड़े चिर, काजी नूं फिर पता लगा भी वह बीमार ने, जिहड़े काजी ने फतवा सुनाया सी उन्हूं पता लगा भी हुण अल्लाह यार खां जोगी बीमार होए ने। वह दुबारा गया उन्होंने कोल, जदों उत्थे गया ते जाके पता की कहिंदा, कहिंदा तुहानूं असीं अपनी कौम च वापस लै लवांगे, तुहानूं असीं अपनी कौम दे विच वापस लै लवांगे, पर जिहड़े तुसीं इह लफ्ज़ पहलां आखे सी ना उहनां लफ्ज़ां नूं तुहानूं वापस लैणा पवेगा, उन्हें लफ्जा वापस ले लो, तुसी एक दूजी कौम के रहबर की तारीफ की सी, सानू ये बर्दाश्त नहीं, तुसी अपने लफ्जा वापस ले लो, असी तुहानू अपनी कौम च वापस ले लवांगे। अगे जोगी जी पता की कहते, कहते काजी साहब पहला तो मैं केवल इना आख्या सी ना कि इंसाफ करे जी मैं जमाना तो यकीन है, कह दो कि गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। कहते हुण मैं छाती ते हाथ मार के दोबारा कहना, करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गुरु गोबिंद सिंह की वो कम है। बोले सो रहो। कहना मैनू तुहाडी कौम दे विच आण दा कोई चाह नहीं है, तुसी मैनू इह गल कहिंदे हो भी तैनू मुहम्मद साहब की गोद नहीं नसीब हो सकती, कहिंदा मैनू चाहीदी भी नहीं, मैनू तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की गोद मिल गई, मैनू चाहीदी भी नहीं हो। एक मुसलमान का गुरु ते इना भरोसा होवे, इना भरोसा होवे, वह कहिंदा मैनू गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की गोद मिल गई, मैनू मुहम्मद साहब की गोद ही नहीं चाहीदी, ते अज अपने आप नूं सिख गवाउण वाला वह किते किते भटकदा फिरदा है, कदी सोचियो विचारियो जरा। अजो गुरु ग्रंथ
ग्रंथ साहब के सिद्धांत नूं छड़ के गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा नूं त्याग के पता नहीं कित्थे कित्थे जा रहा। ते सिखा गल चेते रखी कि जो तू गुरु नूं छड़ के कितने होर जाना ना अपने आप नूं सिख ना समझी उस समय तेरा हाल गुरु तेग बहादुर पातशाह कहिंदे इक कूकर वर्गा होया हुंदा ई एक कुकर वर्गा होया हुंदा। मेरे मालिक ने कहा कहिंदे सुख लभण वास्ते जाना है भलिया तू दूजियां थावां उत्ते पर इह गल चेते रखी सुख कै हेठ बहुत दुख पावत इसे सुख की खातर तेन दुख बहुत मिलेगा। क्यों? क्योंकि तेरा कर्म ही उदा है ना तू कर्म गुरु के मुताबिक नहीं कर सकिया। सुख कै हेठ बहुत दुख पावत सेव करत जन जानकी कभी किसी मथा टेक लिया कभी किसी कभी किसी कभी किसी सेव करत जन जानकी द्वारे द्वार स्वान ज्यो डोलत न सुध राम भजन की। कहते जिमें कूकर द्वार फिर कहते भलिया तेरा हाल भी कुछ उस तरह का ही है तेन सोच ही नहीं आई कि गुरु गोबिंद सिंह का सिख क्या किसान जाता है तू समझ नहीं सकिया।